डॉक्टर ने मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। डॉक्टर ने बोला ठीक है, हमने तो जब भी बोला कि भाई हमें तो नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, डॉक्टर ने बोला ठीक है भाई हम तो कर देंगे नॉर्मल डिलीवरी, बट हम तो अच्छे से वेलकम किया अनी ने। फिर अनी ने अपनी शर्ट पे एनी के फुटप्रिंट लिए और फिर मेरी आरती, मेरी और एनी की आरती उतारी। अनजाने अजनबी। हाँ जी, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय आवाज नहीं आ रही, चैनल। तेज बोलना पड़ता है। सॉरी, मैं हेलो फोन दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। मेरी जुबान में टाके नहीं आए, ठीक है, कितनी बार बोलूं। तो गाइस, ये है मेरी हॉस्पिटल की लास्ट डाइट, तो खिचड़ी। खिचड़ी और दही। उसके बाद जैसे आज हम डिस्चार्ज हो रहे हैं, हम नहीं, मैं डिस्चार्ज हो रही हम हूँ, सभी हो रहे हैं, हम क्योंकि हम भी तो सभी हो यही रहे है हैं ना। वैसे तो। ओ और देखियो कितनी एहसान बुलाने वाली काम है। है, तो अभी घर जाएंगे और घर जाके फिर बेबी का फेस रिवील करेंगे। ये हमारी और नर्स आ चुकी है, ऐसे ये बार अचानक ये हमें सब कुछ करवा रही है, लेकिन यहाँ से भेज नहीं रही बस। नहीं, अभी जाना अलाउड नहीं है, अभी टाइम नहीं हुआ आपका जाने का। अभी नहीं जाना, ये तो सब कुछ करवा लिया मैंने। तो ये तो कराना था, अभी जाना नहीं है। अभी मुझे, अब वो मलूक को गई है तो मुझे फोटो खिंचवाने दो ना यार, ओ, चार दिन मलूक। से नहीं थी। अब हुई है मलूक, अब मलूक हुई है इंस्टाग्राम पे। अरे अच्छे अच्छे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, 4 दिन से ना नहाए तो इंसान, चेहरे पे पानी तक भी नहीं लगाया था। और आप तो रोज नहा के आते थे घर से, तो मेरे से रहा ही नहीं जाता। मैं तो सुबह रोज फ्लर्ट, नहीं फ्लॉन्ट और कर रहे थे, कैसे ऐसे करके। सच में ये रही ना, ये रही ना, ये छोटी हाँ जी मैम, छोटी सी झलक देख लोगे, छोटी सी झलक। अभी आ रही है बस मैम, 5 मिनट। एनी एनी एनी, पानी लो, पानी। कैसी है तबीयत? तबीयत तो मेरी ठीक है, वैसे मेरे को थोड़ी थोड़ी सी ना खांसी हो रही है, और खांसी मैं ले नहीं सकती क्योंकि स्टिचेस पे और पेट में भी थोड़ा ना प्रेशर पड़ता है। तो घर पे हम आ गए थे धीरे धीरे। ये हमारा एनू सो रही है जब से, अपना परेशान तो नहीं कर रही है, मतलब 2 दिन से तो बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही। हम सो पी रहे हैं और बस इसको दूध, इसने पोटिकल रिसू शू कर दिया, दूध जब जब खाली पेट हो जाता है तब ये रोती है। वैसे नींद में जैसे बच्चा होता है ना, स्टार्टिंग में सोते सोते रोने लग गया, 1 मिनट में फिर अपने आप शांत हो गया, तो अभी तक तो वैसे कर रही है। अभी तक तो कोई हमारी लाइफ में चेंज नहीं आया, बस चेंज आया कि मेरे को थोड़ा, मैं अच्छे से चल फिर नहीं सकती अभी, और क्या नहीं कर सकती, मतलब कुछ काम नहीं कर सकती। बाकी कमेंट्स आनी बता रहे थे कि अभी मैंने तो कमेंट्स तो वगैरह, 3 कमेंट थे जो तुम्हारी प्रोफाइल पे मोस्ट आस्किंग थे। वैसे मैंने तो पता रिवील भी कर रखा, पहले व्लॉग से कर रखा है, उसके बाद भी तुम्हारे पे के बेबी गर्ल है या फिर बेबी बॉय। तो गाइस, ये है हमारी प्यारी सी बेबी गर्ल, इसने अपना हाथों से अपना मुंह छुपा रखा है। एंड देखो ये बिल्कुल अनी पे गई है। तो गाइस, इसका नाम मेरे को है, तुम पे लगती ये है अनी की एनी है, एंड मेरे तो दोनों अनी एनी दोनों तो मेरी जान ही है। और क्या कहते हैं कि फिर हम घर पे आ गए धीरे धीरे, और फिर इनका एनी का वेलकम किया अनी ने बहुत अच्छे से। और मेरे नाक पे फोन गिर गया। तो अच्छे से वेलकम किया अनी ने, फिर अनी ने अपनी शर्ट पे एनी के फुटप्रिंट लिए और फिर मेरी आरती, मेरी और एनी की आरती उतारी। बड़ा स्पेशल फील करवा रहे हैं, बट अभी ये नहीं पता कि कितने दिन में मेरी रिकवरी होएगी, तो होप से जल्दी से रिकवरी हो जाए। खाना भी मेरे को तो बिल्कुल हल्का ही डाइट खानी है, जो वेट लॉस वाली डाइट है ना, घी दूध भी, मतलब कि ना ना खांस ना मना कर यार, खांसी मैं खांस नहीं सकती। तो जो दूसरा क्वेश्चन बताऊं, हाँ दूसरा ये था कि मतलब कि
नॉर्मल क्यों नहीं करवाया हाँ, और नॉर्मल वो सिजेरियन से कैसे? तो गाइस डिलीवरी तो ये नॉर्मल ही होनी थी और चांसेस भी डॉक्टर ने बोल भी दिया था 99% चांसेस हैं कि स्टार्टिंग तो यही है कि आपको भी पता है कि मेरे को बीच में कितनी इचिंग हुई थी और लीवर वाली प्रॉब्लम और उससे अंदर पीलिया हो जाता है बेबी को और इचिंग वाली प्रॉब्लम हद से ज़्यादा बढ़ने लगती है तो क्या हो जाता है कि बेबी की धड़कन ना वीक हो जाती है मतलब बिल्कुल ही कम हो जाती है इस वजह से। एंड फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल गए मतलब अभी ड्यू डेट मेरी वैसे तो 26 मार्च की थी बट डिलीवरी डॉक्टर ने बोला कि मतलब कि बेबी फुल मेच्योर है कोई दिक्कत नहीं डिलीवरी। मेरे को हल्के हल्के पेन तो 2 हफ्ते पहले से ही हो रहे थे बट वो फुल जो पेन होते हैं वो नहीं आए थे। फिर डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह दिए एक इंजेक्शन दिया उसी से मेरा पेन स्टार्ट हो गया था इंस्टेंट। 4 घंटे तो पेन लिए मैंने फिर उसके बाद एंड में 4 घंटे बाद क्या हुआ बेबी ने कर दी अंदर पोटी तो इमरजेंसी में डॉक्टर ने मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। डॉक्टर ने बोला ठीक है हमने तो जब भी बोला कि भाई हमें तो नॉर्मल डिलीवरी चाहिए डॉक्टर ने बोला ठीक है भाई हम तो कर देंगे नॉर्मल डिलीवरी बट हम वो क्या कहते हैं कि 100% श्योर नहीं है कि बेबी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी अगर बेबी को क्या कहते हैं मतलब होते ही अगर नहीं रोया बेबी या कुछ भी दिक्कत हुई तो इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते क्योंकि मेन वो मैं बताता हूँ क्योंकि उस टाइम पे मेरे को बुला लिया ने देखा भी था मतलब कि बेबी पॉटी कर गया था मैं तो नहीं देखा तो फिर उन्होंने बोला कि नॉर्मल तो अभी हो जाएगा उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है लेकिन ज़्यादातर चांसेस क्या होते हैं कि जब बेबी पॉटी कर जाता है तो वो पीने लग मतलब उसी को पीने लग जाता है तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो 1.5-2 घंटे अगर लग गए 4 या 5 घंटे वो तो 4-5 घंटे बोल रहे थे बट 1.5-2 घंटे भी अगर लग गए डिलीवरी तो में की जान तो फिर वो सांस नहीं लेगा मतलब वो रोएगा नहीं और मतलब फिर इफ इन केस हाईली चांसेस तो वही है कि मतलब कि शीशे वीशे में रखना पड़ेगा और नहीं तो फिर ये भी है कि अगर सांस रुक गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसी वजह से हमें सिक्योरिटी बेबी को फर्स्ट प्रायोरिटी मानते हुए तो ऑपरेशन करवाना पड़ा बट वैसे अभी तो मैं देखूं कि ऑपरेशन और नॉर्मल डिलीवरी में ना यार नॉर्मल डिलीवरी में पेन लिए जाते हैं पर ये कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के पेन तो 1 दिन के होते हैं और ये ऑपरेशन से सी सेक्शन से जो होते हैं स्टार्टिंग में तो पेन नहीं होता पर बाद में होता है बट देखते हैं क्या होगा। अभी तक तो मतलब ठीक हूँ बाकी सबसे यही सुना है आज तक कि सी सेक्शन में बाद में कमर में दर्द रहने लग जाता है मौसम चेंज होता है तब तबीयत खराब रहती है तो कोई नहीं ये भी देखते हैं होगा बाकी अपना पूरी क्या बोलते हैं अपनी पूरी देखभाल करने की कोशिश करेंगे यानी भी पूरी करेंगे बाकी हमारी बेबी हेल्थी मतलब स्वस्थ है अच्छे से हो गई कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन बताओ। हाँ तीसरा था कि जैसे मैंने वो नाम की वीडियो डाली थी नाम क्या रखूँ तो उस पर बहुत सारे ऑप्शन आए थे तो उन्होंने बोला कि नाम क्या रखा है या फिर रखोगे। तो गाइस नाम रखा है मैंने ना नाम ना मतलब कंसीव होने से पहले शादी होते ही यही सोच लिया था कि भाई नाम क्या रखेंगे तो बॉय का भी था पर बॉय अब नहीं है तो बॉय का बाद में जब कभी होगा या मतलब कि बॉय का नाम अभी रिवील नहीं कर रहे क्योंकि बॉय अभी आई नहीं तो बेबी गर्ल आई है तो बॉय होता तो एक और नाम था और गर्ल हुई है तो ये नाम हमारा फिक्स है। तो हमने अनी ने और मैंने बेबी का नाम रखा है एनी एंड निकनेम भी निकनेम अनी को जो और अच्छा लगे वो रख लेंगे बट मैंने देखो फुल नेम एनी हो गया। इसका जो पसंद था वो शुरू से ही मैं एनी 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 करूंगा और मेरी जो पसंद है इस टाइम पे एनी तो मेरे को ऑब्वियसली अच्छा लगता ही है जब मेरे नाम पे है पर मेरी जो पसंद है क्योंकि शिवरात्रि के दिन हुई है और बेबी गर्ल है प्यारी सी ब्यूटीफुल थी और बहुत गोरी है सो गोरी गोरी चलो कोई नहीं ये निकनेम गोरी रख लेंगे। मैं रखूंगी निकनेम इसका एनू एनी एनू एनी एनी एनू करती रहूंगी बस और ए पे मतलब जिंदगी शुरू ए पे जिंदगी खत्म। और जो वो नाम निकला है ना जो मैंने वो पत्रा दिखवाया था मतलब सब कुछ दिखवाया था एक तो दोस्तों चलो मैं बताता हूँ मैंने इसके सारा मतलब जैसे हमारे रिचुअल में होता है ये सारे पत्र वगैरह सब कुछ दिखवाना टाइम के जम के और दिन के अकॉर्डिंग तो इसका सब कुछ बहुत बढ़िया आया बहुत बढ़िया मतलब किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। और जो नाम है वो बेसिकली जो निकला है वो
उसी से ही फर्स्ट लेटर से निकला है, ए से ही है? हाँ लेकिन उन्होंने उस टाइम पे, क्योंकि वो मेरे बहुत बढ़िया दोस्त हैं, तो उन्होंने बेसिकली ये बोला है कि नाम अपने हिसाब से कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा मतलब होता भी नहीं है कि मतलब कि नाम किस से लगाएगा, आपने किस तरीके से रखा है। कुल मिला के बात इतनी सी है कि बच्चे की परवरिश बढ़िया होनी चाहिए, उसके बाद में नाम वाम से कोई मैटर नहीं रखता। तो सचिन, फिर आपने मेरे को बताया क्यों नहीं अपने नाम रखा है? हाँ, तो उसने फर्स्ट लेटर बोला तो मजा आ गया गाइस। मैंने तो बोल दिया था, मैं कहा चाहे ना किसी भी वर्ड पे निकले, मेरे को रखना है नहीं है। और शायद अभी इन्होंने बताया मुझे तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड हमारी एनी हमारी लाइफ में सच्ची में बहुत बड़ी खुशी आई। और ना सच्ची बताऊँ ना, अभी तक हमें फील नहीं हो रहा कि हम पेरेंट्स बन चुके हैं। और हमारे मतलब ये कहते हैं ना कि भाई पेरेंट्स बनने के बाद लाइफ चेंज हो जाती है, ये हो जाता है, ब्ला ब्ला, हमारे बीच में तो प्यार बढ़ता ही जा रहा है। नहीं, बेसिकली जो बोला है लोगों ने, क्या था, पता लगेगा जब ये रात रात भर रो के जगाएगी ना बढ़िया तरीके से। मैंने कहा चलो ठीक है, वो भी देखेंगे। लेकिन मैं प्रीत से वही बोल रहा था, यानी कि यार मैं पापा बन गया, मतलब कि मेरे को तो वो जो अलग सा जो फील होता है वैसा तो मतलब कुछ हो ही नहीं रहा। मतलब ऑब्वियसली देख के तो ऐसा मन करता है कि मतलब कितने मतलब, पर जो लाइफ में चेंज है वो मेरे को अभी नहीं देखने को मिल रहा। सेम मैंने उससे बोला, वो जो चेंजेस होते हैं मदर बनने के बाद होते हैं, लेकिन जो एक एक अलग ही जो चेंज होता है वो अभी ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा। और देखो रात को भी मतलब कि दो तीन से मतलब कि रात को भी जागे हैं, फर्स्ट डे तो जागे हैं ना जब मैं आईसी से, वो तो हम पूरी रात ही जागे हैं, डिस्चार्ज हुई थी ना मैं आईसी से उस दिन जागे हम, फिर भी हमें कोई फील नहीं हुआ। और कल भी ये मतलब कि यार इतनी अच्छी है हमारी बेबी, मतलब कल थोड़ी सी देर रोई थी और पूरी रात सोती है बढ़िया तरीके से, पूरा दिन सोती है। जब इसको भूख लगती है तो सिर्फ आ आ आ आ, आ, आ रोने लग जाती है, फिर इसको पिला दो फिर सो जाएगी, फिर सो जाएगी। एक डेढ़ महीने तो बेबी ऐसे ही करेगा, और मुझे नहीं लगता कि बाद में भी परेशान करेगी, क्योंकि फर्स्ट बेबी होता है ना वो ना परेशान नहीं करता ज्यादा। अब तुम ज्यादा मत, एक और लास्ट भी था, एक लास्ट ये था, पर कोई नहीं, उसको दूसरे ब्लॉग में बताना पूरा संक्षेप में कि शर्त क्या थी। वो संक्षेप में कल के ब्लॉग में बताना। शर्त वाला ब्लॉग कल आएगा। एंड ये ब्लॉग अभी देखो मैं ज्यादा नहीं बोल सकती क्योंकि मेरे को खांसी हो जाएगी और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी स्टिचेज में। मैं खांसी हो रही है तो मैं ले नहीं पा रही क्योंकि अंदर पेट में दर्द हो रहा है। सो गाइस ये ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, साइनिंग ऑफ नाउ।